हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, स्मॉल टेरेस एट अ फुटपाथ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप, ईच ऑफ विच 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। यानी कि फुटबॉल के मैदान के अंदर इस तरीके की कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई है, ठीक है, जिसके ऊपर आने वाले लोग बैठकर इसको मैच को देख सके, ठीक है। तो ये जो बनाई गई है सॉलिड कंक्रीट से बनाई गई है, यानी कि बीच में इनके नीचे स्पेस खाली नहीं है, ये पूरे के पूरे कंक्रीट से भरे गए हैं। आगे बोला गया, ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, एंड हर एक जो ट्रेड की हाइट जो है वो 1/4 मीटर बढ़ती रहेगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी देर की, 1/2 मीटर। यानी कि देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी जो चौड़ाई 1/2 मीटर है, ऊंचाई जो है 1/4 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है, और हर बार जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, ईच स्टेप राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी कि हर बार 1/4 मीटर बढ़ती रहेगी। पहले वाला जो स्टेप है इसकी हाइट है कितनी, 1/4 मीटर। सेकेंड वाले की होगी 1/4 में 1/4 प्लस कर देंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 2/4 मीटर। तीसरे वाले की बात करें तो इसमें 1/4 ऐड कर देंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 3/4 मीटर। इसमें 1/4 ऐड कर देंगे तो अगली वाले की हाइट हो जाएगी 4/4 मीटर। यानी कि हर बार 1/4 हाइट इसकी बढ़ती रहेगी। 1/4 के अंदर 1/4 ऐड करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 में 1/4 ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू ये स्टेप चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी टोटल 15 सीढ़ी नहीं बन जाती, 15 स्टेप बने हुए यहाँ पे, तो टोटल 15 स्टेप तक ये प्रोसीजर चालू रहेगा। तो मैंने इनको स्टेप नंबर 1 दे दिया, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, ठीक है। अगर मैं इनको इंडिविजुअली अलग अलग करूं तो ये मेरे क्या बनेंगे, एक तरीके से क्यूबॉइड बनेंगे, जिसमें चौड़ाई सेम रहेगी, लंबाई सेम रहेगी, हर बार क्या होगी, हाइट बदलेगी। इसकी हाइट 1/4 है, अगला वाला जो स्टेप होगा इसकी हाइट 2/4 होगी, तीसरे वाला होगा इसकी हाइट 3/4 होगी, बाकी लंबाई और चौड़ाई ये दोनों हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो हमें पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इसको बनाने के लिए हमें टोटल कितने कंक्रीट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, नंबर ऑफ स्टेप कितने हमारे 15, यानी कि टोटल इसके जैसे 15 स्टेप बनाए गए हैं। लेंथ ऑफ स्टेप कितने 50 मीटर, जिसकी मैंने एल के नाम से रिप्रेजेंट किया है। राइज ईच स्टेप 1/4 मीटर, हर बार 1/4 मीटर बढ़ता रहेगा हाइट उसकी। ट्रेड ऑफ ईच अदर स्टेप 1/2 मीटर, और अब हमें बताने इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हर एक स्टेप का सेपरेटली वॉल्यूम निकालेंगे, जो कॉन्क्रीट इसमें लगा उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हर स्टेप का अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इक्वल होगा सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। हर एक स्टेप का अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे। अब इनकी जो शेप वो क्यूबॉइड है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो बात की जाए पहले स्टेप की, तो मैं इसकी फिगर को अलग से ड्रॉ कर देता हूँ पहले। देखो, अगर पहले स्टेप को मैं इनसे अलग कर दूँ तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना हमें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी इंटू एच। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ब्रेथ और लेंथ ये दोनों चीज़ें हर बार एक जैसी ही रहेंगी, 50 मीटर एंड 1.2 मीटर, बट हाइट हर बार चेंज होगी क्योंकि हाइट पहले के मुकाबले में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले हाइट को माने तो मैं 1/4 मीटर, तो वॉल्यूम निकालता हूँ स्टेप वन का। ये क्यूबॉइड है इसलिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच, एल हमारा 50, बी हमारा 1.2 एंड ये हमारा 1/4 है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये 1/2 मीटर है, मैंने 1.2 लिख के बैठा हूँ, 1/2 मीटर। तो इसको ऐसे लिखेंगे 50 × 1/2 × 1/4, 50 हो गया, 4 × 2 = 8 हुआ, 50 में डिवाइड देंगे तो ये आएगा 6.25 मीटर स्क्वेयर। पहले स्टेप का वॉल्यूम निकल के आ गया। अब सेकंड स्टेप की पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ उसकी।
तो देखो बीस के जो बीच वाला स्टेप है, ठीक है, इस वाले स्टेप को अगर मैं सेपरेट इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। ये 1/4 मीटर थी, 1/4 मीटर थी, तो इसकी जो टोटल हाइट बनेगी 1/4 + 1/4 कितने बन जाएगी, 2/4 मीटर। तो इसमें जो लेंथ है वो तो सेम वही है 50 मीटर, ब्रेथ है वो भी सेम वही है 1/2 मीटर, बट हाइट है वो मेरी कितनी हो जाएगी इस बार, 2/4 मीटर। क्लियर है? अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टेप सेकेंड। फॉर्मूला वही, एल इंटू बी इंटू एच, एल मेरा ये रहा, बी मेरा ये रहा और एच मेरा ये रहा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 50 में डिवाइड देंगे 4 का, तो ये मेरा आ जाएगा 12.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। तो अगर इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो किया जाए, लेंथ 50 मीटर, ब्रेथ अगर मैं स्टेप 3 की बात करूँ, ब्रेथ 1/2 मीटर, बट हाइट इस बार क्या होगी, 3/4 मीटर, यानी 1/4 मीटर इस बार और प्लस होगी, तो ये मेरी हो जाएगी 3/4 मीटर होगी। ठीक है, तो इसका मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्टेप नंबर थर्ड। फॉर्मूला वही है, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, हाइट ये रही हमारी। तो इसको सॉल्व किया, 53 ज़ा 150, 4 2 ज़ा 8, 150 में डिवाइड देंगे 8 का, तो ये हमारा आ जाएगा 18.75 मीटर क्यूब। अब देखो इनके स्टेप की बात की जाए, स्टेप नंबर 1 का वॉल्यूम हमारा कितना निकला था, 6.25, मैंने इसको यहाँ रखा, यहाँ इनके वॉल्यूम लिख देता हूँ, ठीक है, 6.25। सेकंड स्टेप है, इसका वॉल्यूम निकाला था तो इसका आया 12.50। तीसरा स्टेप है, इसका वॉल्यूम निकाला तो ये आया 18.75। इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी और कहाँ तक जाएगी, 15 स्टेप तक जाएगी। आखिरी के जो स्टेप होगा उसके वॉल्यूम तो मेरे को मालूम नहीं है, बट शुरू को मैंने 3 निकाल लिया। इस तरीके से मेरी बनेगी एपी। अब एपी बनी है नहीं बनी, इसको चेक करने का तरीका, इनका निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो समझ लेना ये एपी हमारी। तो मैंने 12.50 में से माइनस की प्रीवियस टर्म को, एंड 18.75 में से माइनस की मैंने इसकी प्रीवियस टर्म को, अगर दोनों ही स्टेप के अंदर मेरा डी सेम निकल गया तो समझ लेना ये हमारी एपी होगी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 6.25, इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी ये क्या आएगा, 6.25। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, एपी है। तो एपी हम तो इस तरीके से पूरे 15 स्टेप का वॉल्यूम एक बार में निकाल देंगे, इनको सभी को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, देखो ए हमारा कितना होगा 6.25, ए मतलब इसकी फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस होगा, और हमें कितने स्टेप लेने हैं, 15 स्टेप लेने, तो एन हमारा हो जाएगा 15। अगर इन सभी का सम चाहिए तो फॉर्मूला लगेगा एस एन का, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, कितनी स्टेप चाहिए 15, तो यहाँ रखा मैंने 15, 15/2, ए की वैल्यू कितनी हमारी 6.25, यहाँ 15 - 1, डी की वैल्यू ये भी मैं कितनी दे रखी है 6.25। इतना करने के बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में 2a होगा, 2 × a, ठीक है, 15/2। अब 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.50, प्लस में माइनस किया 14, 14 × 6.25, यहाँ पे 15/2, 12.50, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 से तो ये आ जाएगा मेरा 87.5, ठीक है। इसके बाद 15/2, 12.50 एंड 87.50, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये मेरे निकल के आ जाएगा 100, ठीक, 2 में इसका डिवाइड दिया 50 आया, 50 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो ये मेरा हो जाएगा 15×5 = 75, 750 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप, 15 स्टेप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 750 मीटर क्यूब। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।